सुपरमार्केट ही यहाँ से है ना मुझे चीकू के डायपर लेने, क्योंकि अगर डायपर वगैरह सब खत्म हो गए, चीकू का मटेरियल चाहिए रहता है यार। बंटी की सहेली रेशम की बोरी भर भर के खाए लेके चोरी चोरी, तुम मानो या ना मानो पूरा खाना खत्म कर दिया ये लड़की, हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। ले लिया मैंने चीकू का मैनी पोको पैंट्स। देखो अभी मैं आई हूँ चॉप को कुछ खाना देने के लिए। हे चॉप, क्या लाया मम्मी आपने? नहीं ना, ब्रेड का पैकेट ला दो, पैकेट ब्रेड का पैकेट। चॉप पाव खा था? पाव खा ले तू, बाद में मैं खाना लेके आऊंगी तेरे लिए। ये ले ला दो, ये खा भी लिया इतनी जल्दी। आ गई मैं घर पे, चलो अभी ऊपर चल के देखते हैं चीकू कृष्णा क्या कर रहे हैं। और मैंने ना चीकू के लिए डायपर और कृष्णा के लिए उसके फेवरेट समोसे भी लाए। मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी है ना मैं मोंजनी से केक ऑर्डर कर रही हूँ, और मम्मी और पापा किसी को भी ये बात पता नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से केक ऑर्डर कर देती हूँ, फिर उसके बाद में हम रात को 12 बजे केक कटिंग करेंगे। केक जो है ना वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मम्मी किचन में ही है, तो मम्मी सुन लेगी। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक है ना मैं अपना कॉलेज का बैग बना लेती हूँ, क्योंकि कल मेरी एग्ज़ाम भी है, तो मुझे है ना टेंशन भी आ रहा है, लेकिन ठीक है कल मेरी एग्ज़ाम है, तो मैं ना बैग वगैरह सब पैक करके रख देती हूँ। तो मैंने मम्मी पापा के एनिवर्सरी के लिए, चुप ना चिक्को, बीच में बोलते रहता हूँ। तो मैंने मम्मी पापा के एनिवर्सरी के लिए जो केक मंगाया है ना मोंजनी से, वो आ गया है, तो मैं नीचे जाके लेके आती हूँ। हेलो, अच्छा इधर ही थे क्या? मुझे लगा ही था। ये लो, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड ना, केक को है ना मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो है ना मम्मी देख लेगी, और अगर मम्मी ने देख लिया तो हो गया लफड़ा। केक को है ना मैंने ऐसे पीछे छुपा के रखा है, देखा दिमाग। घर में केक आ रहा है तो ये किसका हैप्पी बर्थडे टू यू आ गया, फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनना, इधर बलून किधर मिलते बताना? दुकान पे मिलते दीदी। जा तू लेके आना बलून। पैसे दे फिर। हाँ जल्दी से लेके आओ, और है ना मम्मी को ये बात बता मत, मम्मी ने पूछा ना, बोलना चॉकलेट लेने जा रहा, ठीक है समझा? किस लिए चाहिए? मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो अपन थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। हाँ। जो मम्मी बुला रही। और हाँ, हम केक 12 बजे कट नहीं करेंगे, हम जल्दी केक कट कर लेंगे, क्योंकि केक कटिंग के बाद में पापा को पिसना लाने भी भेजना है। अभी है ना कृष्णा गया है बलून्स लाने के लिए, अगर बलून्स मिलते हैं ना तो ये सारे बलून्स वगैरह है ना मैं अपने ही रूम में फुला के रखूँगी, क्योंकि क्या है मम्मी पापा के रूम में अगर करूँगी तो उनको पता लग ही जाएगा कि कुछ तो कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने ही रूम में सारा डेकोरेशन, मतलब इतना नहीं जितना मुझसे हो सकता है उतना करूँगी, और उनको एकदम स्पेशल फील कराऊँगी। ओके, तो अभी है ना मैं अपना रूम साफ कर लेती हूँ, एकदम अच्छे से एकदम क्लीन लगना चाहिए, फिर उसके बाद मैं अपना केक लाके यहाँ पे रखूँगी, और फिर मम्मी पापा के आँखों में पट्टी बांध के उनको यहाँ पे लेके आऊँगी। कैसा है आइडिया? देखो कृष्णा है ना बलून्स भी लेके आ गए, तो मैं ना बलून्स फुलाती हूँ। हाँ ज़्यादा बलून्स नहीं है, लेकिन ठीक है दो पैकेट है तो इतने बस हो जाएंगे। अच्छे से डाला बच्चे फूल। और देखो यहाँ पे ना मैंने और कृष्णा ने बहुत सारे फ्लावर डाल दिए, तो ये यहाँ पे बीच में है ना मैं केक रखने वाली हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे।
बलून्स तो मिल गए बट ये नकली बलून्स थे, नॉट गुड क्वालिटी। अगर कोई बलून फट जाता तो मम्मी तुरंत रूम में भाग के आती। फूटेगा नहीं तो स्किप करते इसको। तो देखो ये रहा मेरा केक। वाह बच्चे कितना मस्त शूट कर रहा था। सब डन हो गया, बस अभी है ना मैं कैंडल लगाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद ना मम्मी पापा को बुलाएंगे। सब रेडी हो गया, देखो अच्छा लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट। अभी बस मम्मी पापा को बुलाते हैं, फिर उनको ये सरप्राइज देंगे। देखो जैसा भी किया है ना मैंने एकदम मन से किया है। वो आपको पता चलेगा, रुको जरा। बच्चे जा दो ये लेके आ, रुमाल आंखें बांधनी है मम्मी पापा के। अरे जा ना जल्दी ना। कुछ नहीं 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 पापा नहीं नहीं नहीं, आओ इधर खड़े रहो ना, आओ आप भी खड़े रहो। तो दिखा हाई से कैसे लगाएगा बच्चे, रुक जरा। तू बहुत एक्साइटेड है। ये खेलने का है क्या? आंधा आंधा इधर है नहीं दिख रहा है इन दोनों को कुछ भी। दोनों रेडी है पापा? पाँच है, पाँच साइड वाइड में गिर गया। धीरे से अंदर जा, ये ले अंदर से कैमरा पकड़ जा। रुको ना मैं हाथ पकड़ रही हूँ ना, वहाँ खड़ा रहे वहाँ। चल ना इधर ला हाथ दे। क्या है यार ये मम्मी पापा भी ना। हाँ बस यही खड़े रहो ऐसे। वैसे इन दोनों के पास ले, मैं भी पट्टी खोल रही हूँ। उसको पहले दिख जाएगा मेरे से। चलेगा। दोनों का साथ में कैसे खोलूंगी मैं? मैं भी खोलता ना मेरे हाथ। केक। ये देख इसने मेरे खोलने से पहले ही बोल दिया। अरे चाकू से नहीं खाने आता, रुक चम्मच से खाएंगे हम। वाह पापा का भी अलग आया तू देख के। सरप्राइज। मेरे दीदी ने मिलके मंगाया, थैंक यू। मेरे प्यारे पुत्र। चलो आ जाओ केक कटिंग करेंगे, आओ। मम्मी पकड़ो चम्मच। बच्चे क्या बोलेगा? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
रुकना पहले, हमारी शादी है ना। ये कौन सी शादी है? तो हम पहले खाएंगे, तेरे बर्थडे को तेरे पहले दिया था ना। ए ये ले तू खा। रुक मैं पापा का खाता हूं। पापा का तो खाएंगे ले। रोटी खाने के लिए इतना बड़ा मुंह नहीं खोलता। खाना खाते हो कितना सा मुंह खोलता। अच्छा लगा मम्मी पापा आपको? बहुत अच्छा लगा। उठा के लो मुझे। उठाओ पापा। वो पैर दुख रहे मेरे। तुम ये सब सजा के वहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे सरप्राइज देने के लिए। हाँ। और ये खाली कैंडल गिर गई होती तो ये सब पर्दे वर्दे पर धुआं आ रहा होता। सरप्राइज बाहर सरप्राइज। ऐसे कुछ नहीं होता पापा सरप्राइज। देखा आपने कभी ऐसे सरप्राइज दिया क्या? हाँ तो हो गए ना, वो बड़े हो गए ना, वो देंगे ना सरप्राइज। मेरे कृष्णा ने दिया सरप्राइज। कृष्णा ने दिया, आपने नहीं दिया? मैंने बोला था सरप्राइज देने के लिए। जल्दी बोल, कल जाने का पनवेल। वो दीदी कहाँ बैठ गई? बस थोड़ी देर में पापा की खुशी को हम छीन लेने वाले हैं। कैंडल्स कितने मस्त लग रहे हैं ना। बस हो गया, चलो किसना लाने का। किसना आपको चलना? ये लेडीज लोगों का काम है पिस्ना वगैरह लाना। नहीं चलो। तो क्या हुआ पापा? मैं अपने बहुत कुछ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डीओ कहाँ है? अपनी स्कूटी कहाँ है? हॉस्पिटल में है। कैसा लाने का पिस्ना? चल के लाने का है। पैदल पैदल पैदल। इतने वहाँ पे इतने दूर तुमने पिस्ना डाल के लाया और उसको चल के लाने का है क्या? हाँ तो कैसे लाएंगे, उड़ के थोड़ी ना लाएंगे पप्पा। चलो चलो हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। चलो रियलिटी रियलिटी में पिस्ना लाने का। हाँ वो केक पहुँचाऊंगा आपके साथ, मैं भी आ रही हूँ पिस्ना लाने। चलो पूरा खानदान जाएगा पिस्ना लाने। पापा रेडी रेडी स्टेडी गो। मैं पिस्ने को हाथ में पकड़ने वाला। ये तो क्यों चल रहे हो फिर आप? देखो मैं तुम दोनों से उठवा के लाऊंगा। चलो पापा उधर ना, इधर जाने हैं हमें। अरे गाड़ी में जाने का है। गाड़ी में जाएंगे हम पिस्ना लाने। हाँ गाड़ी में। और वहां से कैसे कंधे पे उठा के लाने का है बेवकूफो? चलो वही मैं सोचूं पिस्ना लाने के लिए गाड़ी में क्यों जाना है हमें, पैदल ही चलते थे पापा, मजा आता था। तुम उठाएंगे तो चलो पैदल। नहीं हम क्यों उठाएंगे, मेरे चप्पल नहीं है ना मेरे पास। चलो। अरे हाँ लॉक चाबी खजाना है क्या इधर? तो लॉक वॉक लगा के रखते हैं सब। ये गाड़ी है ना पापा, वो गाड़ी कौन उठा के लेके जाना है? हाँ ना पापा नहीं समझेंगे। देखो ना हमारे घर रात में कितना मस्त लगता है। बस घर से थोड़ा सा ही तो चल के जाना था, लेकिन आते वक्त पिस्ना भी तो लेके आना था, इसीलिए हम गाड़ी में आए। हाँ पापा को चप्पल भी नहीं है मेन बात, इसीलिए। टर्न ऑन एसी, क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑन। ये पापा देखो, मैं चली पिस्ना लेने। मैंने बोला था ना पिस्ने को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुमसे ही उठाऊंगा। जा देख लो बाहुबली था बोतल लाओ। तो बाहुबली के जैसे बाहुबली जैसे ये ले। हां छोड़ो अंकल दम से। हां चलो थैंक यू। चलो गिराएंगे आप? नहीं गिराएंगे। चलो ना एक पिस्ना नहीं ले सकते क्या? आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ पापा। जब तुमने बोला ना पिस्ना लेके आने का है, हाँ। तब मैं ना सोच में पड़ गया और फिर मैंने ना सोचा मेरे नसीब के बारे में। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में, ये क्या पिस्ना लाना लिखा? पापा इतना अच्छा गा रहे थे, पिस्ना ला लिया बीच में। क्या मैं भी जानवर से लेके दिन तुम ये पिस्ना उठा रहे मेरे से? तो ठीक है ना, खाना भी तो खाना है रात में।
आज उपवास है मेरा। तो हमारा नहीं है ना। आ जाओ पापा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरप्राइज देता नहीं ना, तो कैसा हमको अच्छा ही लगेगा ना। अब से मैं दिया करूंगी ना। मैं छोटी थी ना तो मुझे इतना समझ नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ ना, समझदार हूँ ना, तो मैं ही सरप्राइज दिया करूंगी। तो कल है मेरी एग्जाम, और क्या अब कल मैं मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर पाऊंगी? क्या मुझसे ये मैनेज होगा? तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।